जय हिंद। दिस इज सी अंकित लल्हा और आज लल्हा एजुकेशन सेंटर के चैनल पे मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जवाब देने वाला हूं कि क्या आप अपने क्लास ट्वेल्थ के रिजल्ट्स आने से पहले सीए के लिए रजिस्टर करा सकते हैं। इस बार साल 2021 में तो क्लास ट्वेल्थ के एग्जामिनेशन से भी रिसेंटली कैंसिल हो गए, तो क्या आप अपने आप को सीए फाउंडेशन के लिए बिना क्लास ट्वेल्थ के रिजल्ट्स आए भी रजिस्टर करा सकते हैं? बिकॉज जो लोग भी इस बार सीए फाउंडेशन के एग्जामिनेशन देना चाहते हैं नवंबर 2021 में, उनके लिए जो आखिरी तारीख है रजिस्ट्रेशन करवाने की, दैट इज 30th of June। 30th of June से पहले पहले आपको अपने आप को रजिस्टर करा लेना है फॉर सीए फाउंडेशंस। हालांकि मेरा ऐसा मानना है कि इस डेट को एक्सटेंड आगे किया जाएगा, बट आप इन जनरल याद रखिएगा कि नवंबर 2021 के एग्जामिनेशंस के लिए आपको 30 जून तक रजिस्टर कराना है, और अगर आप मई के लिए अपीयर करना चाहते हैं तो आपको 31 दिसंबर तक, मतलब 4 महीने पहले आपको अपने आप को रजिस्टर कराना होता है। मैं आपको बता दूं कि हमारे बैचेस इस साल के नवंबर 2021 सीए फाउंडेशन एज वेल एज मई 2022 के सीए फाउंडेशंस के लिए, दोनों के लिए ही स्टार्ट होने वाली हैं। मेक श्योर कि आप हम लोगों को जल्द से जल्द ज्वाइन करें, एंड वी हैव सम वेरी एक्साइटिंग स्कॉलरशिप्स गोइंग ऑन राइट नाउ। सो स्टूडेंट्स, क्या प्रोसीजर होता है कि अगर आपका क्लास 12 का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है तो आप अपने आप को रजिस्टर करा सकें? आप ये समझिए कि अगर आपका 12 का अभी रिजल्ट नहीं आया है तो भी ICAI आपको अलाउ करता है कि आप अपना प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ प्रोविजनली इवन बिफोर योर क्लास 12th रिजल्ट्स आर बीइंग डिक्लेयर्ड। तो क्लास 10th पास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अपने आप को रजिस्टर कराते हैं फॉर सीए फाउंडेशंस, एंड दैट रजिस्ट्रेशन इज डन प्रोविजनल बेसिस। जब आपका रिजल्ट आ जाता है तो इट बिकम्स अ फाइनल रजिस्ट्रेशन। अच्छा, एग्जामिनेशन आप तभी अपीयर करते हैं जब आपके क्लास 12th के एग्जामिनेशंस हो जाते हैं, तो बेसिकली अब तो कैंसिल हो गए। यू कैन अपीयर योर एग्जामिनेशंस ऑफ सीए फाउंडेशंस दिस टाइम, जो भी अब आपका आने वाला होगा, ठीक है? तो आप अपने आप को कैसे करके रजिस्टर कराएंगे ये समझ लीजिए। ICAI की ई सर्विसेज पे एक वेबसाइट है, इसकी बहुत डिटेल जानकारी के साथ में और बहुत डिटेल्ड इंफॉर्मेशन के साथ में हमने एक वीडियो बनाया है। उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, कमेंट सेक्शन में, हर जगह पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा। मेक श्योर कि आप उस वीडियो को पूरा शुरुआत से लेकर के अंत तक देखें। उसमें हमने पूरी डिटेलिंग के साथ में बताया है कि आप कैसे करके साइट ओपन करेंगे, कैसे करके आप अपने आप को रजिस्टर कराएंगे। ईच एंड एवरीथिंग इज मेंशनड इन डिटेल ओवर देयर। तो क्या आप अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं 12th के रिजल्ट आए के बिना? यस, उससे पहले अपने आप को आप रजिस्टर करा सकते हैं। 12th का रिजल्ट इज नॉट एट ऑल मैंडेटरी। क्या डॉक्यूमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी? आपका आधार कार्ड आपके पास स्कैंड होना चाहिए, आपकी फोटो आपके पास स्कैंड होनी चाहिए, आपका सिग्नेचर आपके पास प्रॉपरली स्कैंड होना चाहिए, आपकी 10th की मार्कशीट सेल्फ अटेस्टेड। सेल्फ अटेस्टेड मतलब क्या? आप अपनी 10th की मार्कशीट का फोटो स्टेट निकलवाइए और उसके ऊपर में साइन करिए, वो सेल्फ अटेस्टेड मार्कशीट हो गई, उसको भी आप अपना अपलोड करेंगे स्कैन करवा करके प्रॉपरली। तो ये चीजें आपको अपडेट करनी होगी अपने रजिस्ट्रेशन के दौरान, ठीक है? अगर आपकी मार्कशीट, हालांकि 10th की मार्कशीट तो होगी आपके पास, अगर आपकी 12th की मार्कशीट भी आ चुकी है, आप उसके बाद रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, तो फिर आप अपनी ओरिजिनल मार्कशीट का फोटोस्टेट निकाल करके उसको साइन करके कर लीजिए। आपके पास इंटरनेट वाली मार्कशीट है तो इंटरनेट वाली मार्कशीट को आप किसी सीए से अटेस्ट करवा लीजिए और फिर अपडेट कर दीजिए। अदरवाइज ओरिजिनल मार्कशीट है, सेल्फ अटेस्ट करके उसको आप स्कैन करके अपडेट कर दीजिए। सेल्फ अटेस्ट का मतलब फोटो स्टेट निकालिए और स्कैन करके अपडेट कर दीजिए। दिस इज गोइंग टू बी योर प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन इनटू सीए फाउंडेशंस, ठीक है? इसके लिए आपको ई सर्विसेज वेबसाइट पे, ICAI की जो वेबसाइट है, करेंटली इट इज नॉट वर्किंग, अदरवाइज आई वुड हैव ओपन्ड इट वंस अगेन। ICAI के ई सर्विसेज फॉर्म में आपको दिखाई देगा, जिस वीडियो का लिंक हमने आपको दिया है उसमें प्रॉपरली सारी की सारी चीज़ें मैंशनड है। फिलहाल वेबसाइट वर्क नहीं कर रही है कुछ एक दो दिन से, जिस समय हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उसके लिए आप परेशान मत होइएगा, वेबसाइट जल्दी फंक्शनिंग करने लगेगी। तो आई होप आपको ये समझ में आया कि क्या आप अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं और कैसे करा सकते हैं। ICAI की गाइडलाइंस अब ये है कि आप 10th पास अगर हैं तो यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ प्रोविजनली। सो दिस डाउट ऑफ योर्स इज रिजॉल्व्ड। कब तक में आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना है ये भी हमने आपको बता दिया। ₹9,200 ICAI के रजिस्ट्रेशन की फीस है, ये याद रखिएगा। जर्नल अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो फिर उसके लिए भी कुछ ₹400 की एक्स्ट्रा फीस है।
जब आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे होंगे तो आप इंश्योर करिएगा कि आपके स्कैन डॉक्यूमेंट आपके पास में पहले से तैयार हो। खुद से भरिएगा, साइबर कैफे से मत भरवाइएगा। अगर आप साइबर कैफे से भी भरवाते हैं तो आप इसको एटलीस्ट पूरी तरीके से अच्छे से चेक कर लीजिएगा कि वो सारे के सारे पर्टिकुलर्स प्रॉपरली फिल्ड इन है या नहीं है। इस बार का एग्जामिनेशन नवंबर का एक्सपेक्टेडली हो सकता है दिसंबर में चला जाए, तो यू हैव स्टिल अ लॉट ऑफ टाइम लेफ्ट फॉर योर प्रिपरेशन। आप अभी भी अपने आप को CA फाउंडेशन के आने वाले एग्जामिनेशन के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो वेस्ट नो मोर टाइम और अपनी तैयारी को जल्द से जल्द शुरू करिए। इफ यू वॉन्ट आर हेल्प देन डू गिव अस अ कॉल एंड वील बी हैप्पी टू हेल्प यू विद आर अपकमिंग बैचेस। डोंट मिस टू जॉइन द न्यू सेशंस। थैंक यू सो मच। दिस वॉज सी अंकित लल्हा फ्रॉम लल्हा एजुकेशन सेंटर। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय।